हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट का। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, कन्फर्म डेट बताएंगे कि रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर होने के चांसेज हैं, और आपको न्यूज़ की कटिंग भी दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। उससे फ़ायदा ये होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, यूपी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए उस न्यूज़ की कटिंग की तरफ चलते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये NDTV इंडिया की न्यूज़ है जिसमें उन्होंने अपनी डेट बताई है कि इस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर होने के काफ़ी चांसेस हैं, और आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए। तो चलिए न्यूज़ की कटिंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि फ्रेंड्स, ये न्यूज़ है यूपी बोर्ड रिजल्ट। इस तारीख को आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी कर देगा। परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल से पहले जारी किया जाएगा। आपको रिजल्ट चेक करने के लिए upresult.nic.in पर जाना होगा। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, 20 अप्रैल से पहले रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस हैं। मगर एक बुरी न्यूज़ ये है कि कुछ स्कूल्स ने अभी तक मूल्यांकन का काम पूरा नहीं किया, तो वो भी आगे आपको न्यूज़ में बताएंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड पर। खास बातें पहले जान लेते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जाएगा। रिजल्ट वेबसाइट upresult.nic.in पर जारी होगा। पिछले साल परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था। नई दिल्ली, यूपी बोर्ड अप्रैल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट 20 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है। मगर ये NDTV की न्यूज़ जो बता रही है उसमें ये दिया गया है कि 20 अप्रैल से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट upresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। बता दें कि बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 25 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जिनके मूल्यांकन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, 25 मार्च डेट दी गई थी कि 25 मार्च तक मूल्यांकन का काम कंप्लीट करना है, मगर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। ये एक दिन पहले की न्यूज़ है, यानी कि 27 तारीख 28 तारीख तक अभी तक मूल्यांकन का काम कुछ स्कूल्स में कम्प्लीट नहीं हुआ है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद करीब 10 से 15 दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 58 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हुई थी, और 10वीं की परीक्षा कुल 14 दिनों में पूरी होकर 28 फरवरी 2019 को ख़त्म हो गई थी, जबकि 12वीं की परीक्षा कुल 16 दिनों में पूरी होकर 2 मार्च को ख़त्म। जब मूल्यांकन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उससे 10 से 15 दिन लगते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होने में। अगर आप लोग 5 अप्रैल तक काम कंप्लीट हो जाता है मूल्यांकन का, तो 15 दिन आप मान के चलिए तो 20 अप्रैल तक आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप चेक कर सकते हैं, यूपी बोर्ड रिजल्ट ऐसे कर पाएंगे चेक। तो ये मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद रीड कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।